हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेज में। आज के अपने इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक न्यू स्वास्थ्य विभाग में रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो ये अपनी रिक्रूटमेंट रहने वाली है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ में, जिसका नोटिफिकेशन 3/11/2021 को जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो इसमें इस रिक्रूटमेंट के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की भर्ती की जानी है दोस्तों, इसके रिक्त पदों की। और इसके जो ऑनलाइन डेट रहने वाली है वो दिनांक 5/11/2021, इसकी फॉर्म स्टार्ट होकर 25/11/2021 तक 5:30 बजे तक चलने वाले हैं। और इसको आप इसकी वेबसाइट cglhealth.nig.in पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाबत और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल कुल पदों की संख्या यहाँ पर आपकी 2700 रहने वाली है, जिसमें रायपुर में आपकी 500, बिलासपुर में 700, दुर्ग में 480, बस्तर में 500, सरगुजा में 520। इस प्रकार से आपकी अनारक्षित की पोस्ट दे के रखी है, अनुसूचित जनजाति की दे के रखी है, अनुसूचित जाति की दे के रखी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की, अनारक्षित की, इस प्रकार से आपकी ये दे के रखी है। इसके बाद में हम बात करें तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इसके अलावा दोस्तों, जो यहाँ पर पोस्ट दे के रखी गई है दिव्यांगजनों के लिए, तो उस पर केवल दिव्यांगजन ही पात्र होने वाले हैं। तो उनके लिए यहाँ पर देख रखा है कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संभागवार मेरिट के आधार पर ही चयन किया जाएगा। इसके अलावा आपका यहाँ पर मानदेय दे के रखा है, प्रतिमाह राशि आपकी 16,500 रुपये से लेकर एक मुश्त के साथ अधिकतम राशि 15,000 तक दी जाएगी। इसके संबंध में मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। इसके अलावा आपके यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देके रखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में होना जरूरी है, उत्तीर्ण आपका होना जरूरी है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ सम्मिलित पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में आपका उत्तीर्ण होना। उसके बाद में 2.2 में देख रखा है कि उसका जीवित पंजीकरण होना अनिवार्य है, 45 दिन में प्रदान किया जाएगा। अगर उनका चयन हो जाता है तो उनको 45 दिन में ये देना होगा। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी 1/1/2021 को 21 वर्ष कम्प्लीट होनी चाहिए तथा 35 वर्ष से आपकी अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा आपको 35 वर्ष में भी 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी अगर आप उनकी कुछ आयु सीमा की छूट से संबंध समय समय पर जारी निर्देश के अनुसार आपको जिस प्रकार से कैटेगरीज वाइज आरक्षण के अनुसार आपको आयु में छूट दिया जाता है, वो भी आपको दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ दोस्तों आपको इंट्रक्शन दे के रखे हैं। हम इसकी फीस की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको फीस विकलांग अजातीय महिला शुल्क आपका यहाँ पर 100 रुपये रहने वाला है, अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 200 रुपये तथा अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 300 रुपये यहाँ पर आपके फीस रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन करना है आपको 5/11/2021 से 25/11/2021 तक इस वेबसाइट पर आपको आवेदन करना है। ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं तथा यहीं पर आपको इसका आवेदन भी करना है। तो ये थी दोस्तों आपकी रिक्रूटमेंट आज की। अगर आपको इसके में कोई आपत्ति आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी पूर्णतः हेल्प की जाएगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।